रायनपुर में। माय नेम इज शिवानी मिश्रा। आज आप बताएंगे बैग ब्लाउज डिजाइन जो बहुत ही लेटेस्ट अनयूज आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये डिजाइन अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें ना भूलेगा। उसके साथ अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी मेरी कोई न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए हम आपको वीडियो की तरफ लेके चलते हैं। तो देख लीजिए मैंने ब्लाउज को कट कर दिया है। मैंने ब्लाउज की लेंथ 13.5 इंच रखी है और 10 इंच पे हम गले की जो है मार्किंग करेंगे। तो देखिए मैं गला जो है 10 इंच की लंबाई पे रख रही हूँ, यहाँ से मार्क कर देते हैं। और 3 इंच की चौड़ाई पे हम गले की, देखिए 3 इंच की गले की चौड़ाई रख रहे हैं, यहाँ से मैं मार्क कर रही हूँ। नीचे के साइड भी 3 इंच की चौड़ाई पर मार्क कर देंगे। अब जितना मैंने मार्क किया है सबको एक स्ट्रेट लाइन से बराबर कर लेंगे। तो देखिए मैंने सबको बराबर कर दिया है। अब चलिए मैं गले के डिज़ाइन का मार्क कर रही हूँ। तो वीडियो में आपको क्लियर दिख रहा होगा कैसे मैं मार्किंग कर रही हूँ, सेम ऐसे ही आपको भी करना है। अब 1.7 इंच पे हम एक और मार्किंग कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं आपको वीडियो में क्लियर दिख रहा होगा, और जैसे मैं मार्क करके आपको वीडियो में दिखाई हूँ सेम ऐसे ही आप भी कर लीजिएगा। अब चलिए उसी अकॉर्डिंग हम कट कर देंगे जैसे मैंने मार्किंग की है। ये देख लीजिए मैंने कट कर दिया है ब्लाउज़ को अस्तर के। अब मैं ब्लाउज़ का कपड़ा ली हूँ, इसको भी सेम वैसे ही कट करेंगे जैसे मैंने अभी अस्तर को कट किया है। इसका भी गला देखिए कट हो चुका है। चलिए मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। तो ब्लाउज और अस्तर को बिल्कुल बराबर में फैला लीजिएगा और इस पर एक सिलाई लगा के पहले हम गले को बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टिच कर देंगे। ये देख लीजिए मैंने गले को बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टिच कर दिया है। अब इस पर मैं कट्स लगा लेती हूँ। तो मैंने कट्स लगा दिए, अब इसको मैं उलट कर सीधा कर देती हूँ। तो मैंने देखिए पूरे अच्छे तरीके से गले को उलट कर सीधा कर दिया। अब इस पर एक सिलाई लगा के पूरा हम स्टिच कर देंगे। तो देख लीजिए मैंने पूरे गले पे सिलाई लगा के पूरा स्टिच कर दिया है। अब चलिए मैं ब्लाउज को ऑल राउंड स्टिचिंग कर लेती हूँ। अच्छे तरीके से अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए हम पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग कर देंगे। तो देख लीजिए मेरा पूरा ब्लाउज स्टिच हो चुका है। अब मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा देती हूँ इस पर जो डिज़ाइन बनाई जाएगी, मैं आपको वो अब दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ये कपड़ा लिया है, इसको पहले आगे के साइड से फोल्ड कर लेंगे और इसके बाद इस पर डिज़ाइन बनाएंगे दोनों साइड से स्टिचिंग करते हुए। तो कैसे मैं डिज़ाइन इसका बनाऊँगी आप वीडियो में देखते रहिए, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए कपड़े को जो है 4 पार्ट्स में हम इसको स्टिच करेंगे। ऐसे ही आपको भी करना है जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ये देख लीजिए एक साइड से मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से डिजाइन बनाते हुए स्टिच कर दिया है। सेम ऐसे ही मैं दूसरे साइड से भी कर देती हूँ। तो मैंने दूसरे साइड से भी स्टिच कर दिया। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो मैंने दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल दिया है। अब इस जो डिज़ाइन मैंने बनाया है इस पर मैं कुछ पट्टियाँ स्टिच करके लगाऊंगी। तो आप क्रॉस कटिंग करते हो कुछ पट्टियाँ कट कर लीजिएगा। अब चलिए मैं आपको वो पट्टी लगा के दिखा दे। देखिए मैंने क्रॉस कटिंग करते हुए तिरछी पट्टी कट कर ली है, ये स्ट्रेचबल है पट्टी मेरी। अब इसको जो मैं देखिए फोल्ड करते हुए पहले स्टिच कर देंगे यहाँ से। तो थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लीजिएगा तब इसके बाद स्टिच कीजिएगा। और जैसे मैं स्टिच कर रही हूँ वैसे ही कीजिएगा और दूसरे साइड से भी फोल्ड करते हुए अंदर के साइड डालते हुए फिर स्टिच कीजिएगा। तो ये देख लीजिए इस साइड से पट्टी स्टिच हो चुकी है। अब नीचे के साइड का आपको दिखाते हैं बनाकर। तो यहाँ से हम ट्रक्स लगा देंगे।
अब इसी तरीके से दूसरे साइड से भी ट्रक्स लगा लेते हैं। तो मैंने दोनों साइड से देखिए ट्रक्स लगा के स्टिच कर दिया है। अब चलिए मैं नीचे के साइड से एक पट्टी लेके स्टिच करके फिर डबल फोल्ड करके स्टिच करेंगे। तो वीडियो में देख लीजिए मैं कैसे बना के इसे स्टिच कर रही हूँ, वैसे आप भी कीजिएगा। ये देख लीजिए मैंने पूरा पट्टी स्टिच कर दिया। अब आगे के साइड हम इसे डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेते हैं। अब नीचे के साइड से देखिए मैं एक सिलाई लगा लेती हूँ। तो मैंने नीचे के साइड का पूरा डिज़ाइन कम्प्लीटली बना दिया है। अब चलिए मैं गले के साइड से जो डिज़ाइन बनाया जाएगा उसको दिखाती हूँ। तो मैंने ये पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच रखा है। अब इसको मैं डबल फोल्ड करके स्टिच कर देती हूँ। तो आप बड़ी पट्टी लीजिए क्योंकि डिज़ाइन बनाने में ज़्यादा पट्टी यूज़ होगी। तो मैंने ये देखिए अब ये पट्टी जो मैंने ली उसको पहले मैं गले के साइड से स्टिच कर देती हूँ। अब इसको भी 4 पार्ट्स में हम फोल्ड करते हुए पूरा स्टिच कर देंगे। तो कैसे स्टिच करेंगे वो आप वीडियो में देख लीजिए। तो आप मार्क कर लीजिएगा दोनों साइड से बिल्कुल बराबर करते हुए, तो आपका जो डिज़ाइन बिल्कुल बराबर में स्टिच होगा। तो मैंने देखिए इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टिचिंग इसकी कर दी है। अब मैं क्रॉस कटिंग वाली पट्टी लूँगी जिससे वो स्ट्रेचबल रहे। ये देख लीजिए मैंने ले लिया। अब इसको एक साइड से फोल्ड करते हुए पहले हम स्टिच कर लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा जो साइड में फोल्ड करते हो फिर स्टिच कीजिएगा। और जहाँ से हमने डिज़ाइन को स्टिच किया था सिलाई लगा के, सेम उसी जगह से मैं पट्टी को भी स्टिच कर रही हूँ। अब दूसरे साइड से भी हम थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके अंदर के साइड डालते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने दोनों साइड से कम्प्लीटली इस डिज़ाइन को देखिए पूरा कम्प्लीट स्टिच कर दिया है। अब इसको मुझे डेकोरेट करना है, तो मैं गोल्डन कलर की देखिए छोटी और बड़ी वाली मोती ले ली हूँ। तो देखिए कहाँ पे बड़ी वाली मोती लगानी है उसका पहले यूज़ करते हैं। तो ये मैंने बड़ी वाली मोती ली है। अब जो मैंने बीच वाली डिज़ाइन बनाई है, अब इसको देखिए मैं कैसे डेकोरेट करें, आपको वीडियो में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ऐसे आप भी डेकोरेट कर लीजिएगा जैसे मैं आपको वीडियो में बना के दिखा रही हूँ। तो देखिए बीच से मैं थोड़ा सा नीचे के साइड फोल्ड करते हुए फिर उस पर मोती लगा रही हूँ, ऐसे आप भी लगाइएगा। इस तरीके से मैं आपको कुछ जो है लगा के मोतियाँ दिखा देती हूँ जिससे आपको ये बिल्कुल सही तरीके से अच्छे से समझ में आ जाए। तो देख लीजिए जैसे मैंने इतना सारा लगाया उसी तरीके से देखिए मैंने पूरा कम्प्लीटली लगा लिया है। अब मैं गोल्ड वाली मोती का यूज़ बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने छोटी वाली मोती ले ली है। अब मैंने जो बगल का फ्रिल्स वाला डिज़ाइन बनाया था उसको मैं देखिए डेकोरेट कर रही हूँ। तो कॉर्नर से हम लेते हुए दूसरे कॉर्नर पर ले जाएंगे और वहाँ से मैं मोती लगा के इसको फिक्स्ड कर दूँगी। इसी तरीके से मुझे पूरा करना है, तो देख लीजिए वीडियो में आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे मोती और किस तरीके से लगा रही हूँ। ये देख लीजिए जैसे मैंने इतना लगाया उसी तरीके से देखिए मैंने कम्प्लीटली ब्लाउज में लगा लिया है मोती।
और मेरी ब्लाउज डिज़ाइन देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। उसके साथ अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और मेरी कोई डिज़ाइन ड्रेस अगर ब्लाउज आप परचेज करना चाहते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए, और मैं ऑनलाइन सेलिंग करती हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक्स वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।